मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, ये जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है पाई पाई उनसे वसूलेंगे और उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे देश का सम्मान बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी अभी विधानसभा और लोकसभा में 33% माताओं बहनों को रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चंद्रयान भेजा, G20 हुआ और छत्तीसगढ़ के ढेर सारे लाभार्थियों को नरेंद्र मोदी सरकार का फायदा मिला है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज 370 करोड़ रुपए का, 330 करोड़ के फ्लाईओवर, 48 करोड़ के शिवनाथ व्यय प्रवर्तन योजना नहर, 18 करोड़ से पेंड्री में निवास स्थानों, 15 करोड़ रुपयों से मातृ शक्ति के लिए अस्पताल, 13 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए और 10 करोड़ रुपया मॉडल कॉलेज और वंदे भारत ट्रेन का सौगात भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आज भूपेश जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश जी, 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को? हिसाब लेकर आइए माताओं, भाइयों, बहनों, 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर दिया। कितना दिया जरा जोर से बोले, कितना? 77,000 करोड़, कितना? और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम। हमने नक्सलवाद पर नकेल कसी, 38 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया, 24 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब छत्तीसगढ़ वासियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया, 38 लाख माताओं के घर में शौचालय का निर्माण किया, लगभग 6 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और लगभग 11 लाख लोगों को घर का भेंट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्र नरेंद्र मोदी जी, मैं आज यही कहने आया हूं कि इन्होंने दिए हुए 315 वादे तो पूरे नहीं किए, चरण पादुका भी छीन ली, साड़ी वितरण योजना भी बंद कर दी, खैर 325 वादे से तो मुकर गए, पर उन्होंने यहाँ एटीएम लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली के दरबार में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचाने का काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भविष्य को इस तरह से बर्बाद किया है, वो भूपेश बघेल को फिर से मौका दे सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, दे सकते हैं क्या? जिस तरह से भुवनेश्वर साहू को रोंद रोंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या?
जोर से बोले ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, डालेंगे क्या? चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यहां हमारे 7 प्रत्याशी है, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार 7 प्रत्याशियों के लिए जोर से ताली बजाइए, ये 7 को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुमत से जीत कर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। माननीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार, आपने हमारे सारे 7 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद अपने सानिध्य में दिया। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से,